इन दिस वीडियो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन वॉट इज द मीनिंग ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेसन ओके तो द इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द नेचुरल चेंज इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑन एनी इकोलॉजिकल टाइम स्केल ओके इकोलॉजिकली जो टाइम स्केल के हिसाब से कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में जो ग्रेजुअली चेंजेस आते हैं विच इज़ कोल्ड दैट इकोलॉजिकल सक्सेसन यानी कि मान लीजिए कि बाहर का जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो अगर बढ़ा तो एनवायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से जो जो कम्युनिटीज के जो जो इंडिविजुअल्स स्पीसीज है वो उस एनवायरमेंट के अंदर जब तक अपना एडेप्टशन अपना कर आगे ग्रो कर सकती है तो वो करेगी या फिर अपना जो ग्रोथ है वो बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसके एडेप्टेशन होगी यानी कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा ओके okay? तो दिस इज कॉल्ड दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन ओके इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स दैट द नेचुरल चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर नेचुरल चेंजेस इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल इकोलॉजिकली हम टाइम स्केल के हिसाब से देखें तो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है विच इज़ कॉल्ड दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन ओके